नमस्कार, इंडिया टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। दोपहर प्राइम टाइम में सबसे पहले बात करेंगे उस अफवाह की जिसने पिछले दो दिनों से देश में हड़कंप मचा कर रखा है। चंडीगढ़ की एक यूनिवर्सिटी जहां पर एक अफवाह फैलती है बच्चियों के एमएमएस को लेकर, जिसके बाद हंगामा खड़ा हो जाता है। आज करेंगे पड़ताल इस खबर की, एक एक तस्वीर आप तक पहुंचाएंगे, एक एक जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। क्या है सच और क्या है झूठ, ये आप देखेंगे इंडिया टीवी पर। आपको हम दिखाएंगे कि आखिर इस यूनिवर्सिटी का सच क्या है और इस यूनिवर्सिटी में जो हंगामा बरपा हुआ था आखिर उसके पीछे की सच्चाई क्या है। फिलहाल अब तक की जो कार्रवाई हुई है उसके बारे में आपको जानकारी दे दें। जो तीनों आरोपी है, यानी वो लड़की जिस पर एमएमएस बनाने का आरोप लगा था, खुद की वीडियो बनाने का आरोप लगा था, उसे पुलिस अपनी गिरफ्त में ले चुकी है। इसके साथ ही साथ दो और आरोपी, यानी शिमला से एक लड़के को और उसके साथी को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। थोड़ी ही देर में उनकी आज कोर्ट में पेशी होगी और रिमांड की मांग पंजाब पुलिस की तरफ से की जाएगी। इसके अलावा एक एसआईटी भी गठित कर दी गई है इस पूरे मामले में, और ये तीन सदस्य एसआईटी है जो तमाम पहलुओं पर जांच करेगी। पंजाब पुलिस का ये साफ तौर पर कहना है कि इस पूरे मामले में निष्पक्ष तरीके से जांच की जा रही है, कोई भी ऐसा पहलू नहीं है जिसे छिपाया जा रहा हो। जो घटना सामने आई है उसी के आधार पर जांच की जा रही है। ऐसे में ध्यान ये देना है कि किसी भी अफवाह में नहीं आना है, अफवाहों के आधार पर यहां पर आपको प्रोटेस्ट नहीं करना है, ये लगातार आपको बताया जा रहा है, क्योंकि पुलिस कार्रवाई कर रही है और पुलिस का ये लगातार कहना है कि निष्पक्ष तरीके से इस मामले में जांच की जा रही है। सीएम पंजाब के आदेशों तो बाद इस द हाई लेवल प्रोब ऑर्डर होया हैगा। वी हैव कॉन्स्टिट्यूटेड अ 3 मेंबर ऑल वुमेन स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम विच विल कंडक्ट द इन्वेस्टिगेशन अंडर द सुपरविजन ऑफ गुरप्रीत देव, सीनियर आईपीएस ऑफिसर। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।